हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। अब ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड वीक की, जो कि 8 टू 15 के लिए है। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जून। द मून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, मैसेजेस फॉर सेजिटेरियंस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जून। एट ऑफ सॉर्ड्स, सो सेजिटेरियंस मुझे लगता है कि आप एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड द फूल के साथ दूसरों के क्रिटिसिज्म पे या दूसरों के मिसगाइड होने या करने पे, एक्चुअली मुझे लग रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो आपके आसपास के लोग हैं इस वीक में आपको राइट चीज को गलत बताएंगे एंड गलत चीज को राइट बताएंगे। ऐसा हो सकता है। सपोज आप कुछ, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, आप कुछ खरीदने जा रहे हो एंड वो चीज ज्यादा बेटर है, लेकिन आपको कोई ये ओपाइन कर सकता है नो, ये वाला अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा है, तुम दूसरा खरीदो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो पर्सन जानता है कि वो चीज बेटर है या शायद अपने लिए चाहता है। आपको मैनिपुलेट करके गलत रास्ते पे कोई ले जा सकता है एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपको वो चीजें सुननी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ये इतना ज्यादा करीबी है आपका कि आप इसको डाउट नहीं करते। आपके डिसीजंस आप खुद लेंगे, उस पर भरोसा कीजिए। अगर आप दूसरों से ओपिनियन मांगेंगे, अच्छा होगा कि आप ओपिनियन मांगे ही ना इस वीक में किसी से, लेकिन अगर आप दूसरों से ओपिनियन मांगते हैं या कोई बिन मांगी एडवाइस आपको देता है, जैसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में घूमते हैं बिन मांगी एडवाइस देने वाले, यहां पे अगर द फूल के साथ अगर आप जरा भी गलती करते हैं अपनी चॉइस को लेके, तो यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सर्जेरियंस, सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपकी चॉइसेस आप करेंगे। यहां पे है द मून। द मून के साथ डेंजर्स है। डेंजर्स मीन्स कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, मिसडायरेक्ट कर सकते हैं। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं मगर जानबूझ के आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आप अपना रास्ता चेंज कर दें, और आप अनलोइंगली आप एक बार डाउट भी नहीं करेंगे और उस रास्ते पे बढ़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है द फूल के कार्ड के साथ। यहां है फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं पूरी तरह से फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आपके पार्टनर के बारे में आपको कोई एडवाइस करता है, कुछ कहता है, तो दो बार सोचिए, एक बार फैक्ट चेक करना जरूरी है आपके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोले, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली मेंबर्स हो, फिर बाद में आपको लगे कि ये मैंने क्या कह दिया, कि किसी पर्सन ने कुछ मुझे बोला और मैं ब्लाइंड फोल्ड हो गया या हो गई। ये चीज आपके साथ हो सकती है। आगे जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, अपोजिट साइड से भी रेजोनेट हो सकती है, डबल कार्ड स्प्रेड नहीं है, सिंगल है, इसलिए रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैसेजेस फॉर सेजिटेरियंस, सेकंड
लीक ऑफ जूम. टू ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ कप्स. Queen of Pentacles. Seven of Cups. I see Sagittarians, कि यहाँ Knight of Cups के साथ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. आपको पता नहीं है बट कोई हो सकता है जिसका आप पे बहुत क्रश हो, ह्यूज क्रश हो, एंड वो चाहता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाए अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप इसके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. आप वो इंसान है जो सब कुछ प्रोवाइड करती है, आप वो इंसान है जो लाइफ में हैप्पीनेस पॉजिटिव एनर्जी लाती है जिनकी उनको जरूरत है. ये पर्सन कोई आपके पास्ट में से भी हो सकता है जो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो जाए. कभी पास्ट में आपका फ्रेंड रहा हो सकता है कि बहुत टाइम बाद आपसे कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करें किसी चीज को लेके, या हो सकता है कि अभी आपके फ्रेंड ही हो ये पर्सन, आप में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड हो सकता है आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें अपने फेवर में. सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे. सो इस पर्सन ने बहुत वेट किया है. हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो जिसका कि ये एडवांटेज लेना चाहते हो. इन्होंने सही मौके के लिए बहुत वेट किया ताकि ये अपना ऑफर आपके सामने रख सके. इसमें कोई गलत बात नहीं है बट यही चीज है कि अगर आपके पार्टनर के बारे में जब ये कुछ बोलते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो एक बार डबल फैक्ट चेक जरूर करें. इसके अलावा ये सिंपली कोई फ्रेंड हो सकते हैं. हो सकता है इनका आप पे क्रश ना हो बट ये सिंपली आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से जालस हो या कोई इस तरह की चीज जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप अलग हो जाए या आपके बीच में किसी तरीके की झगड़ा या लड़ाई हो. यहां पर है टू ऑफ वॉन्ड्स. टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल रहना है. द मून के ठीक बगल में आया है. आपके हेल्थ पे डेंजर हो सकता है. सजिटेरियंस, आपको केयरफुल रहना होगा इस वीक में. एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट करते हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, या कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको मिसलीड करें, तो आपका रिलेशनशिप एंड तक भी पहुंच सकता है. आपको किसी भी बात को करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा सजिटेरियंस, अदरवाइज आपका इतने लंबे समय से बिल्ड किया हुआ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. सेवन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब इसको आपके लाइफ में आने का मौका मिले, क्योंकि जब तक आप सिंगल नहीं होंगे ये अप्रोच नहीं कर सकता. एंड इनकेस आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो नाइट ऑफ कप्स के ऑफर लेने में कोई बुराई नहीं है. ये आपको काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं इसीलिए आज आपके साथ हैं या आपको पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट इनके बारे में भी अगर आप दूसरे फैक्ट्स चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ये आपके लिए बेस्ट रहेगा सेकेंड वीक ऑफ जून में. चलिए देखते हैं आपके लिए एक और कंडीशन. टू कार्ड्स. चलिए दोनों ही पिक कर लेते हैं हम. योर लाइफ इज एनहेंस्ड बाय योगा स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग. जैसा कि आपका कार्ड आया है ऑलरेडी टू ऑफ वॉन्ड्स का, जैसा कि मैंने आपको कहा सजिटेरियंस, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक में. आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा इस वीक में, क्योंकि यहाँ डेंजर है. आप अपने हेल्थ को लेकर कॉशियस रहे इस वीक में. अगर आप प्रिकॉशन बरतेंगे तो सब ठीक रहेगा. सिंपल प्रिकॉशन से आप योगा कर सकते हैं या सिंपल चीजें
लाइक हेल्दी खाना. यहाँ पे है स्कूल. द आंसर दैट यू आर सीकिंग वॉज गोइंग टू द स्कूल. अगर आप एक्चुअली तीन कार्ड से आपके लिए द आंसर दैट यू आर सीकिंग वॉज गोइंग टू स्कूल. तो आप अगर किसी ऐसे ओल्ड फ्रेंड के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये भी आपकी रीडिंग में था, कोई ओल्ड पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में, ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो आपको अपने पास्ट में से ही इसके आंसर मिलेंगे कि ये पर्सन यहाँ क्यों है, क्या है, इसके इंटेंशन क्या है. सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली. आप बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं, आप बहुत इजीली बिलीव करने वाले होते जा रहे हैं, आपको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, जो कि जरूरी है एक स्मार्ट लाइफ के लिए और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए. सो ये थी आपकी रीडिंग सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.